हेलो भैया मैम, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 32 पढ़ी थी, उसमें हमने छोटी संख्या पर गोला लगाया था। आज हम एक्सरसाइज 33 पढ़ेंगे, उसमें हम बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे। अब बड़ी संख्या कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब ये तीन संख्या दे रखी है, 20, 25, 24। मैंने आपको बताया था कि किसी भी छोटी या बड़ी संख्या को पहचानने के लिए इकाई का अंक देखते हैं। इकाई दहाई। तो इकाई दहाई में किसी भी संख्या को पहचानने के लिए अपन दहाई का अंक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20, 25, 24, तो 2 दहाई इसमें भी है, 2 दहाई इसमें भी है और 2 दहाई इसमें भी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है? तो अब जब सेम दहाई होने पर हम इकाई का अंक भी देखेंगे। जब सेम दहाई है तब इकाई में पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे 0 छोटा है, 5 और 4 और 5 में से 5 बड़ा है, तो हम तीनों अंक संख्या में 25 को बड़ा मानेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। नेक्स्ट है 51, 7, 26। ये 7 अगर इधर 0 होता है तो 70 हो जाता है, और आगे 0 होता है तो ये 7 ही रहता है। संख्या के आगे 0 होने का कोई महत्व नहीं है, इसको हम क्या मानेंगे? 7 ही मानेंगे। तो ये 51, 7 और 26 में बड़ी संख्या कौन सी है, ये पता लगाने के लिए हम दहाई देखेंगे। इसमें दहाई 2 है, इसमें 0 है, तो 0 का कोई मान नहीं है, और इसमें 5 है, तो 5 और 2 में बड़ा कौन है, ये हम देखेंगे कि 2 और 5 में बड़ा 5 है। तो इन तीनों में बड़ी संख्या 51 होगी। कौन सी हो गई? 51। अब नेक्स्ट है 40, 27 और 23। अब इन तीनों में हम बड़ी संख्या छांटने के लिए वापस फिर दहाई को देखेंगे कि इन तीनों में दहाई कौन सी बड़ी है। अब इन तीनों में दहाई कौन सी बड़ी है? 1, 2, 2। तो 2 से 1 को छोटा है, इसको हम हटा देते हैं। इन दोनों में समान है, दोनों में दहाई समान है, तो फिर हम इकाई देखेंगे कि दोनों इकाई में कौन बड़ा है। तो ये 2 तो समान है, बाकी 7 और 3 इकाई में 7 बड़ा है, तो हम इसको बड़ा मानेंगे। तो ये क्या है? 37 बड़ा है। नेक्स्ट है 20, 30, 25। इसमें हम बड़ी संख्या छांटने के लिए दहाई देखेंगे। दहाई इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब ये 1 तो हम हटा देते हैं, ये छोटा है, ये दोनों 2 समान है, तो दोनों 2 समान है तो फिर हम इकाई देखेंगे। अब इस इकाई में ये 0 है और ये 5 है, तो 0 और 5 में 5 बड़ा है, तो हम इसको बड़ी संख्या मानेंगे। नेक्स्ट है 23, 33, 34। अब इन तीनों में बड़ी संख्या के लिए हम दहाई देखेंगे। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 से छोटा 2 है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और इन दोनों में दहाई समान है, तो अब इकाई में देखते हैं इकाई कौन सी बड़ी है। अब इसमें इकाई ये बड़ी है, तो इसको हम बड़ी संख्या मान लेंगे। आपको समझ में आया होगा कि मैंने बड़ी संख्या कैसे आपको समझाई है। अब नेक्स्ट है 4, 14, 12। अब इसमें कौन बड़ा है? इसमें इकाई की दहाई की संख्या 1, 1, 0। तो इन 1 दोनों में ये तो 0 है, इसको छोड़ देंगे। 1 और 1 में कौन बड़ा? दोनों समान है, तो इसमें कौन बड़ा होगा? इकाई में 4 बड़ा है, तो हम इसको बड़ा मानेंगे। इन तीनों में 14 बड़ा है। नेक्स्ट है 28, 22, 47। अब हम बड़ी संख्या के लिए वापस से दहाई देखेंगे। इसमें दहाई 2 है, इसमें 2 है और इसमें
अब यही क्लियर हो रहा है कि इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, यहाँ फोर है तो फोर बड़ा है, दोनों ही ढाई से फोर बड़ा है तो हम इसको बड़ी संख्या मान लेंगे। अब नेक्स्ट है 36, 34 और 10। अब इन तीनों में हम किसको बड़ा मानेंगे, तो ये वन, इसकी ढाई में वन है तो वन तो इन दोनों से छोटा है। अब इन दोनों में से हमको बड़ी संख्या माननी है, दोनों ढाई सेम है तो हम कैसे पता लगाएंगे, फिर हम इकाई देखेंगे, इकाई में फोर से बड़ा सिक्स है तो हम इसको बड़ा मान लेंगे। नेक्स्ट है 20, 35, 54। अब इसमें बड़ा अंक कौन सा है, इसके लिए हम ढाई देखेंगे, इसमें फाइव है, इसमें थ्री है, इसमें टू है। अब इन तीनों में ढाई अलग अलग है तो आपको बड़ी संख्या छांटना बहुत आसान हो जाएगा, टू है टू से बड़ा थ्री है तो थ्री से बड़ा फाइव है, तो इन तीनों में बड़ी ढाई फाइव है तो हम इसको बड़ा मान लेंगे। नेक्स्ट है 38, 30, 56। अब इन तीनों में बड़ी संख्या छांटने के लिए हम वापस से ढाई देखेंगे, ये दोनों तो थ्री है और इसमें फाइव है तो ढाई की संख्या ये फाइव है, ये थ्री है और ये थ्री है तो दोनों में थ्री है, ये फाइव है तो इस थ्री से ये फाइव बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, 56। अब आपको बड़ी संख्या समझ में आ गई, मैंने किस आधार पे आपको तीन संख्याओं में बड़ी संख्या छांटना सिखाया, ये आपको आ गया होगा। ये अपना आज 33 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसके मैंने दो क्यू करवाई है, इसमें एक लाइन और है जो आप इसको होमवर्क में करने का अभ्यास करेंगे। ओके।